ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਛੱਡ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਦੇ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को तवांग में जमकर पीटा तो अमेरिका तालियां बजाने लगा और दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों को यह आभास हो गया कि चीन को कोई जमकर धो सकता है तो वो है भारत। और यही वजह है कि चीन की पिटाई पर दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन यूएन ने भी बयान जारी किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि दोनों देशों को तनाव कम करने पर जोर देना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा, दोनों देशों को सीमा तनाव को कम करने पर जोर देना चाहिए। सीमा विवाद घटना हमारे संज्ञान में है, हम दोनों देशों से सीमा तनाव को कम करने का आह्वान करते हैं। दोनों देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि झड़प क्षेत्र में और तनाव में न बढ़े। वैसे अगर यूएन सचिव के बयान को ध्यान से समझे तो ये साफ होता है कि भारत चीन पर बीस है और चीन को टक्कर देने के लिए दुनिया सिर्फ और सिर्फ भारत की ओर देखेगी। और ये बात अमेरिका से लेकर यूरोप को भी पता है। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने तवांग में चीन के सैनिकों के पीटने पर अपनी प्रतिक्रिया में भारत की सराहना की। पेंटागन प्रेस सचिव पैट राइडर ने कहा, चीन इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी सहयोगियों और साझेदार देशों को जानबूझकर उकसा रहा और हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। हम अपने सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर तत्पर हैं। भारत की ओर से तनाव को कम करने की कोशिश का हम समर्थन करते हैं। ये तो रही यूएन और अमेरिका की प्रतिक्रिया, लेकिन चीन ने इसको लेकर जो कहा वो ये दिखाता है कि चीन सिर्फ हवाबाजी कर सकता है और भारतीय सेना दौड़ा दौड़ा कर चीन के सैनिकों को पीट सकती है। चीनी सेना के प्रवक्ता ने अपने बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया और चीनी सैनिकों के रास्ते में आए, जिससे दोनों ओर से विवाद बढ़ गया। चीनी सेना ने कहा, हमने पेशेवर तरीके से मानकों के तहत मजबूत जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद सीमा पर हालात सामान्य हुए। चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और पीएलए के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता लॉन्ग शाओ हुआ ने कहा, भारत चीन पर तैनात अपने सैनिकों को सख्ती से नियंत्रित करे और चीन के साथ मिलकर बॉर्डर इलाकों में शांति बहाल करे। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को भारतीय सैनिकों ने सीमा को अवैध तरीके से पार करने के बाद रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे चीनी सैनिकों के काम में बाधा डाली, जिसके बाद ये झड़प शुरू हो गई। खैर, चीन चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को जिस तरह से पीटा उससे एक बात तो साफ होती है कि चीन को दुनिया में कोई झुका सकता है तो वो है भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।